मैं विक्रम सिंह एसएससी सीजीएल 2017 में मेरी रैंक ऑल इंडिया 29th और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ, आप सब भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की या एसएससी सीएचएसएल की, बैंकिंग की और वेरियस अदर एग्जाम की। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल है, आप इसे काइंडली पूरा देखिए और मैं इसमें कुछ पॉइंट्स रखूंगा। और सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने स्कूलिंग सुल्तानपुर से ही की है। 10th में मेरे 63% थे, 12th में मेरे 62% थे मार्क्स और एवरेज स्टूडेंट था मैं, अभी भी एवरेज ही हूँ। और एवरेज रहते हुए आपको कैसे एग्जाम क्लियर करना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लानी है और मनचाही पोस्ट पर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे इसे आज। सबसे पहला पॉइंट, मैंने बीटेक किया 2011 से 2015 के बीच में, 2015 में पास आउट हुआ। तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था कैसे जॉब मिले और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन होती है उस पर कैसे उतरा जाए और बाकी जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस किया जाए। तो उस टाइम कम्युनिकेशन स्किल गैप और इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज ना होना मुझे जॉब ना मिलने का कारण बना। तो कॉलेज से निकलने के बाद थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट था कि नौकरी नहीं है, क्योंकि बीटेक करने में वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो भी गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जहाँ बहुत ही ज़्यादा फीस है, तो लगभग 8-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और इतना कोई अगर इन्वेस्ट करेगा तो एक्सपेक्ट भी करता है कि नौकरी मिले और ना मिले तो उससे निराशा जरूर होगी। तो निराशा के साथ 2015 में मैंने सोचा अब क्या किया जाए, नौकरी नहीं है। तो 4-5 महीने तो सोचते समझते गुजर गए, फिर उसके बाद मैंने सोचा प्रिपरेशन करते हैं, तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने का मूड बना। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने के लिए मैं मुखर्जी नगर दिल्ली पहुंचा। मुखर्जी नगर में पहुंचने के बाद भीड़ देखा तो वो अपने आप में एक चैलेंज था, उसमें अपने आप को एडजस्ट करना और सीधा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में खुद को ढालना, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन जब बाहर निकला, रूम में तो अच्छा एनवायरनमेंट था, आसपास पढ़ने वाले थे, बाहर निकला सबसे बड़ा टास्क अब कौन सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाए, तो वो मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जिस कोचिंग के बाहर आप खड़े होंगे आपको यही लगेगा कि सिलेक्शन यही दिलाएगा और नंबर आप जैसे जैसे नंबर ये बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप दूसरे दरवाजे पर पहुंचेंगे तो आप कंफ्यूज होते जाते हैं कि नहीं इसमें एडमिशन लें, इस कोचिंग में एडमिशन लें, इस टीचर से पढ़ें, इस टीचर में मैथ ज़्यादा अच्छा है, इस टीचर का इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है, यहाँ ज़्यादा सिलेक्शन आते हैं। तो ये सब मिथ्स हैं कुछ जो बन जाते हैं, वो ऑटोमेटिक नेचुरली आ जाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। जैसे हम किसी भी शोरूम में पहुंचे कपड़े खरीदने के लिए, एक कपड़ा नहीं पसंद आया, दूसरा पसंद आएगा, तीसरा पसंद आएगा, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ही कन्फ्यूजन वहां भी क्रिएट हुआ। लेकिन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि वहां अपने आप को संभालना, क्योंकि आप एक बार उस भीड़ में घुसेंगे तो फिर सोचने और समझने का टाइम नहीं मिलता है। और कोचिंग वालों को तो आप भी जानते होंगे, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर डेफिनेटली वेल अवेयर ऑफ दैट कि वो हमें रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, उनका कमाने का जरिया है वो, उनको वहां से प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। हमारे सिलेक्शन से उनको मतलब होता है, मतलब जरूर होता है, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो उनका मोटिव होता है वो होता है उनका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन हमारे यहाँ कैसे हों। तो इन सब चक्करों में मैं भी पढ़ा, लेकिन इनसे बाहर निकला। उसके लिए बाहर निकलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप में अंदर कॉन्फिडेंस होना, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप डेडिकेटेड हों। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है कि सोच लिए बस कॉन्फिडेंस आ गया, जब आप डेडिकेटेड होंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर।
तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं खुद बैठ के प्रिपरेशन करूंगा। इंग्लिश में वीक था तो सबसे अच्छी मैम पढ़ाती हैं एक इंग्लिश, वहाँ नाम नहीं लूंगा मैं, मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी और हालांकि उन्होंने ठीक ठाक पढ़ाया और लेकिन बोरिंग था थोड़ा क्लास उनका। लेकिन मैं एक क्लास दूसरे क्लास हर क्लास में टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करा के 2-3 महीने में फुर्सत ले लिया कोचिंग से, फिर रूम पर ही बैठ के प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने नंबर ऑफ मॉक्स दे रहे हैं। मॉक्स दिया डेली, प्री का एग्जाम होने से पहले डेली 2-2 मॉक्स, मेंस के भी मॉक्स उस टाइम देते थे हम, कि एक अल्टरनेट बना रखा था कि एक दिन मैथ का देना है एक दिन इंग्लिश का देना है। मॉक्स देते गए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता गया, फिर उसके बाद एग्जाम में बैठे, एग्जाम में इतने मॉक्स दे दिए थे कि एग्जाम बहुत ही ईजी लगा और अच्छे स्कोर आए और सिलेक्शन लिया। तो आप सभी भाइयों से ये निवेदन है कि आप भीड़ में हैं, आप भीड़ से निकलना है आपको। भीड़ से निकलेंगे कैसे? भीड़ से निकलने का एक ही तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा तरीका बेस्ट था, लेकिन एक तरीका हो सकता है, ये तरीका बहुत ही यूजफुल है भीड़ से निकलने का। डेडिकेटेड हैं तो घर में बैठिए अपने, और टाइम भी अच्छा मिला हुआ है, लॉकडाउन है इंडिया और एग्जाम भी पोस्टपोन होंगे, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, डेफिनेटली होंगे, तो जो भी टाइम मिला है इसको ढंग से यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज कराएंगे हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप तैयार रहिए इसके लिए और वेट करिए, हम बहुत ही अच्छे अच्छे मटेरियल आपको देंगे। जो एक्सपीरियंस हमने हासिल किए हैं, अपने मेहनत करके हासिल किए हैं, वो किसी की बुक से नहीं है, वो किसी के असाइनमेंट से नहीं है, ना किसी क्लासेस से हैं, वो अपने नेचुरल हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा आप पे थोपूंगा कि आप ये करिए, आप अपना तरीका भी लगा सकते हैं, गाइड हम करेंगे सही डायरेक्शन में करेंगे और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो ऐसा सोचें। अभी मैं जिस जगह हूँ वहाँ थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते टाइम मिलना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से टाइम अब पूरा है। पूरी कोशिश करूंगा, डेडिकेशन के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छा अच्छा मटेरियल लेके आऊं, और आप वेट करिए और हम पूरी लगन से आपकी जो समस्याएं हैं इस दौरान प्रिपरेशन के दौरान साथ में फेस करेंगे। और धन्यवाद।